शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दीदू बस, अब आप सुनेंगी और हम बोलेंगे। दीदू डॉक्टर ने कहा है ना कि अभय अब कभी होश में नहीं आएगा, कहा है या नहीं? हाँ कहा है डॉक्टर ने, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकती कीर्ति, क्योंकि मैंने देखा है इन्हें पलके झपकाते हुए। इसका मतलब ये है कि ये मुझे सुन सकते हैं, मुझे महसूस कर सकते हैं, बस बस ये सबके सामने नहीं कर रही है। दीदू ये आपका पागलपन है, बस करिए अपना पागलपन। हम कैसे समझाएं आपको, आपको ऐसे देख के ना हमें डर लगता है। दीदू दीदू आप अपने बारे में कब सोचेंगी? अपने बारे में ही सोच रही हूँ कीर्ति, और इसीलिए मैं अभय को ठीक कर रही हूँ। मेरी जान बसती है अभय में, और इन्हें ठीक करने के लिए मुझे जो करना होगा मैं वो सब करूंगी, चाहे मुझे कितना ही तब क्यों ना करना पड़ जाए। प्यार का जुनून हम समझते हैं, पर ये पागलपन है दीदी। दिल के सामने ना आप अपना दिमाग खोती जा रही। अभय को ऐसे बेजान बेजान देख के आप ये भूल गई हैं कि आप जीती जागती हैं। जबान संभाल के बात कर कीर्ति, क्या गलत बोल रहे हैं दीदू? आप अपने बारे में सोचे, सिया और सानवी के बारे में सोचे। अरे आप तीनों की तो पूरी जिंदगी सामने पड़ी है। दीदू हम आपको कह रहे हैं, आप ना आप दूसरी शादी कर लीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? जब तक अभय की सांसें चल रही है ना, तब तक मेरी सांसें चल रही है। मेरी जान बसती है अभय में, हम एक जान है, हमारी किस्मत की लकीरें एक है, और तू इसे तोड़ने की कोशिश भी मत करना, समझी? मैंने कीर्ति पर हाथ उठा के, वो तो बस मेरी चिंता में वो सारी बातें कह रही थी। मुझे उससे बात करनी चाहिए। किसी को आपकी चिंता नहीं है, पर हम आपकी बहन है, हम आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकते। कीर्ति से काम नहीं चला कि दूसरा भी मारने आ गई, लीजिए लीजिए मारिए। पर दीदू हम आपसे माफी नहीं मांगेंगे, सुना आपने? करते करते ये उठ के खड़ा हो गया तो मैं लेट जाऊंगा, इसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। छोड़िए, हमें आपसे बात नहीं करनी। मुझे माफ कर दे कीर्ति, इस तरह से मुझे तुझ पर
हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सॉरी। आप तो हमेशा सही होती है ना, तो क्यों मांग रही है हमसे माफी? क्या हुआ है कीर्ति, ऐसे प्लीज गुस्सा मत कर। देख, तुझे अगर मुझे सजा देनी है ना तो दे मुझे सजा, लेकिन इस तरह से मुझसे बात करना बंद मत कर, वो भी तब जब मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, बस हम ही सुने आप, पर आप कभी मत सुनना हमारी। सुनना पड़ेगा तुझे इस बार भी, क्योंकि मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है कीर्ति। ऐसे क्या बात करनी है आपको? बात यहां तक पहुंचे कि तुम उठ के मेरा गला दबाओ, उससे पहले आज मैं तुम्हारा दम घोट के ये किस्सा ही खत्म कर देता हूं। बोलिए क्या बात है? आपको देखिए ना, हमें लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। बताइए हमने क्या किया। आजा बाबा, चल। कीर्ति, तूने कभी सोचा है जब भी तू खाली बैठती है तो तेरा ये शैतानी दिमाग कितना तेज दौड़ने लग जाता है? क्या मतलब है आपका? देख कीर्ति, तू मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुझे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी तू खाली होती है ना तो तू ऐसा कुछ सोचने लगती है या फिर तू कुछ ऐसी हरकत करने लग जाती है जिससे सामने वाले को बहुत तकलीफ पहुँच सकती है। लेकिन हाँ, अगर तू कुछ अच्छा करने की सोचती है ना तो तेरा यही शैतानी दिमाग एक झटके में उसका हल निकाल लेता है। समझ रही है मैं क्या कह रही हूँ? जरा भी नहीं। आप हमारी तारीफ कर रही हैं या हमारी बुराई कर रही हैं, मैं समझ ही नहीं आ रहा। अरे बुद्धू, मैं तेरी तारीफ कर रही हूँ। तूने कुणाल के उस झूठ को कैसे एक झटके में पकड़ लिया? राज और रागिनी को जेल तक पहुंचवा दिया तूने। कीर्ति, अगर तू कुछ सही करने को चले ना या फिर कोई सही रास्ता चुने तो फिर तुझे कोई नहीं रोक सकता है। दीदू, आपको पता है ना कि हमने पहले भी कोशिश की है, मॉडलिंग करना चाहा पर हो नहीं पाया। शायद किस्मत साथ नहीं थी। फिर नौकरी भी करनी चाही, वो भी नहीं कर पाई। शायद किस्मत में ही हमारे। कीर्ति, मैं ना तुझे एक सीधा सीधा सुझाव देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि तुझे यूपीएससी के लिए तैयारी करनी चाहिए। यूपीएससी? दीदू अभी क्या कह रही है? अरे कीर्ति, इसमें गलत क्या है? दीदू, यूपीएससी निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, सालों लग जाते हैं। क्या बोल रहे हैं आप, हमसे नहीं हो पाएगा? कैसे नहीं हो पाएगा? कीर्ति, मैंने तुझे बचपन से देखा है, तू हमेशा से इतनी चुलबुली रही है, लेकिन फिर भी स्कूल में कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती थी। दूसरों से आगे रहने का जुनून हमेशा से था तेरे अंदर, और तू तो मुझसे भी अच्छे नंबर लेके आती थी। और मुझे तो पूरा यकीन है कि एक बार अगर तूने मन बना लिया ना तो तू यूपीएससी भी कर जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं। अरे कीर्ति, इस बारे में एक बार सोच के तो देख। अरे पहले आप अपने बारे में सोचिए, अपनी जिंदगी सुधारिए, फिर हमारी जिंदगी को पटरी पे लाइएगा। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।